सब राजनीति कर रहे हैं और हमें एक ही कम्युनिटी को परेशान कराया जा रहा है क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर रहकर सही नहीं करा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद से कहकर हमें रोक लिया यहाँ पर कि देश हमारा है, हम यहाँ पर रहेंगे और खुशहाली के रहेंगे। लेकिन जिन्ना साहब कह रहे थे जब आज़ादी का टाइम हुआ था कि हिंदुस्तान में मुसलमान रुक तो रहे हैं, लेकिन आपको ज़िंदगी भर यही साबित करना रहेगा कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान। आज हमारे साथ यही हो रहा है, 50 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। विवादित जमीन उधर थी फैक्ट्री की तरफ, यहाँ पर कारखाना था, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मेरा नाम सद्दाम है, इसलिए मुझे टारगेट। ऐसे में आप तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं बता सकता हूँ गोदी मीडिया इस मामले को कभी नहीं उठाएगी। दरअसल मामला क्या है कि जिस तरह से सरकार चाहती है उसी के ही पिठलग्गू बने हुए हमेशा रहते हैं। क्या है, ऊपर नेशनल मीडिया हो या स्थानीय मीडिया हो, ऐसे जो मार्मिक और दिल को दहला देने वाले दृश्य यहाँ से आपको मिलेंगे वो कभी नहीं दिखाएगी, ना ही कहीं इसी इशू को दिखाएगी। लोग बीमार पड़े हैं लोग, हॉस्पिटलों में एडमिट हैं। आप तस्वीरों को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए। आप देख सकते हैं घर के सामान पूरी तरीके से प्रशासन द्वारा सील लगाकर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पन्नी में ही ये पूरे परिवार। अब जो कि ठंड का माहौल है, ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग अपने गुजर बसर कर रहे हैं। मैं दिखाऊंगा आपको ये नोटिस जो प्रशासन ने यहाँ पर लगाया है, और इस तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नोटिस देख सकते हैं, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ये संपत्ति मैसर्स यूपी ग्लास वर्क्स लिमिटेड समापन के मामले में पारित माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13/7/1994 के अंतर्गत माननीय न्यायालय के अधीन है। अतः इस संपत्ति से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या कब्जा करना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत दंडनीय होगी। आज्ञा से विक्रम सिंह, शासकीय संपादक। और आप देखें उच्च न्यायालय इलाहाबाद की ओर से ये नोटिस आप देख सकते हैं। तस्वीरों को आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और किस तरह के लोग महिलाएं यहाँ पर विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। ऐसे में इनको पूरी तरीके से जीवन जीने के लिए बिल्कुल ऐसे जानवरों की तरह छोड़ दिया गया, क्योंकि कम से कम 50 साल से ये लोग इन घरों में यहाँ पर रह रहे थे और इनका रोना बिलखना किसी से देखा नहीं जा रहा है। ऐसे में आप इस अम्मा को भी देख सकती है जो काफ़ी वृद्ध है। ऐसे में बच्चों को संदूकों के साथ और पलंग के साथ यहाँ पर, और मैं सामान के साथ यहाँ पड़ा हुआ आप देख सकते हैं रात किस तरह से गुजारी जा रही है। और ऐसे में टॉयलेट की परेशानी, तमाम दिक्कतें हैं। मेरे साथ डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है, बबलू भाई, मैं उन्हीं से जानकारी करूँ। इतना सब कुछ हो गया लेकिन सर कम से कम आपकी तरफ से कोई कार्रवाई अब तक अमल में क्यों नहीं लाई गई? हमारे पास कोई भी नोटिस, आज तक हमारे पास कोई नोटिस ही नहीं आया, कोई लीगल नोटिस न माननीय उच्च न्यायालय से आया, न कोई रेवेन्यू अथॉरिटी ने कोई हमें नोटिस दिया। हमें कोई भी जानकारी इस बात की नहीं दी। सुबह सुबह ही लोग हमारे घर पर आए और कहे कि हमें वो दिया, क्या हमारे लोग आके ये फोर्स के साथ आए और कहा कि घर खाली करो। हमने कहा घर क्यों खाली करें, बोले ये हाई कोर्ट का आदेश है। तो मैंने कहा, हमने कहा हमें पता चलना चाहिए, कोई लीगल नोटिस हमें बताइए क्यों है कि हम लिक्विडेटर की तरफ से आए हुए हैं, क्या लिक्विडेटर क्या होता है, यही हमें समझ में नहीं आया। हमने गूगल किया लिक्विडेटर क्या चीज़ होती है, तब पता चला कि ये शासकीय समापक होता है, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। एक अकेले घर में सोते हुए इंसान को ला करके और ये अचानक सुबह को ये कह दिया जाए फोर्स के साथ लाकर कि लो तुम घर से बाहर निकल जाइए, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, हम क्या जवाब। फिर दूसरी बात जो ये इनके पास इन्होंने नक्शा दिखाया हमको आके कि नक्शा है कि आप इसमें, लेकिन हमें पता चला कि हमारा 674 गाटा नंबर जो है वो अनऑथोराइज कॉलोनी है, ना कि किसी फैक्ट्री के ऑनर की जगह थी वो। अगर शासकीय समापक या लिक्विडेटर को अगर ऐसा था कि ये अगर ज़मीन उसकी है, तो 2002 में उन्होंने हमें दिखाया कि 2002 में ये हुआ क्या, एक तहसीलदार की आख्या के मुताबिक उसने निरीक्षण किया आकर के, और उसको ऐसा उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हो सकता है कि 674 कंपनी का हो, फैक्ट्री का हो, लेकिन हुआ नहीं। वो कोई भी रेवेन्यू अथॉरिटी ने कोई उसमें अपनी रिपोर्ट नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं लगा जब हमने जानकारी मिली। तो इसके बाद में इसके एक ही जो था इसका नक्शा था इनके पास में, और सामने जो बाउंड्री वॉल हो रहा है 9 बीघी ज़मीन उसमें भी है, लेकिन उसमें 10 मकान बने हुए हैं, 16 प्लॉट पड़े हुए थे, वहाँ पर वो लोग नहीं गए। तो एक ही देश में एक ही जज साहब के आदेश पर और 2 जगह कार्रवाई न हो गई, 1 जगह कार्रवाई की गई क्योंकि हम मुसलमान थे, हमें टारगेट किया गया। अगर हमें आप लोगों को निकालना ही है तो या तो हमें फिर एक बार ही हमें मार के भगा दीजिए कहीं, हम अपने बच्चों को लेकर चले जाएंगे, या हमारे पुरखों ने बुरा किया कि हमने इस देश के लिए हम यहीं रह गए, चाहते तो हम भी कहीं चले जाते। देश 47 में हमारे पास ऑफर था, लेकिन हमारे
पूर्व गुजरों ने कहा कि हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, हमें पता होता तो हम आज अपने पुरखों को बुरा कहते हैं कि उन्होंने गलत फैसला किया, जो वो यहाँ रहे हमें नहीं रहना चाहिए था यहाँ पर। या आज हमें एक कभी हमारा कान काट लिया, एक हमारी आँख निकाल ली, एक हमारा पैर काट दिया, अरे हमें एक बारी जान से मार दो, हमें क्यों तड़पा तड़पा कर मार रहे हो? क्या हालात बने हुए हैं हमारे, खुले आसमान के नीचे पड़े हैं आज। क्या हमारे यही हम इसलिए हमने अपने देश से मोहब्बत की थी? पानी और बिजली काट दी गई है, पानी काट दिया गया है। हम तो नगर पालिका को 50 वर्षों से हम यहाँ रह रहे हैं, 50 वर्षों से नगर पालिका को हम अपना हाउस टैक्स जमा करते हैं, गृहकर जमा करते हैं, जलकर जमा करते हैं, विद्युत विभाग को बिजली के हमारे कनेक्शन लगे हुए हैं। यहाँ से जो आपकी सड़कें देख रहे हैं, ये सब सड़कें हैं, ये लाइनें हैं, ये सब जो है सरकार की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से लिए हुई है। अच्छा, कुछ घर प्रधानमंत्री आवास के तहत भी बस्ती में 14-15 मकान जो 14-15 मकान इस सरकारी योजना से बने हुए, नरेंद्र मोदी की उससे बने हुए हैं, कुछ के नक्शे भी पास हैं। तो इसलिए साहब कोई भी चीज़ है तो आज तक हमारे यहाँ ना तो कोई सेवा आई, ना कोई भी सरकारी ये नहीं आया कि भाई आप तक क्या परेशानी है, पुलिस आती है और देखकर चली गई। उस दिन तो पुलिस ने रोड पे बैठने तक का मना कर दिया था कि आप यहाँ भी नहीं बैठेंगे। प्रशासन पता हो सबको था यार, यहाँ पर 8-6 दिन से ताला लगा पड़ा है, नेटा यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आ रहे हैं और कुछ करने के लिए नहीं आ रहे। वोट मांगने के टाइम पर 4-4, 6-6 बार आते हैं यहाँ पर नेता, चलो और पैसे नहीं आते बिल्कुल बराबर में, मतलब सांसद जी हैं, विधायक है, विधानसभा किसकी थी यहाँ पर, वो लोग कहाँ पर हैं? जब हमारे घर में ताले लगे पड़े हैं, खुले आसमान के लोग रह रहे हैं यहाँ पर, खुले आसमान पर बिल्कुल नीचे ना पानी की फैसिलिटी, कोई नहीं आ रही यहाँ पर, कोई भी बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, पानी तक को तरस नहीं आता। ये तो मोहल्ले के लोग यहाँ पे मौजूदा चेयरमैन तक का नहीं आया, निगम पार्षद आया, ना विधायक ना मंत्री, एक सांसद जी जरूर आ गए थे यहाँ पर, जो मौजूदा सांसद है जियाउर रहमान, और कोई नहीं आया यहाँ पर। सब राजनीति कर रहे हैं और हमें एक ही कम्युनिटी को परेशान कराया जा रहा है क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर रहकर सही नहीं करा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद से कहकर हमें रोक लिया यहाँ पर, देश हमारा है, हम यहाँ पर रहेंगे और खुशहाली के रहेंगे। लेकिन जिन्ना साहब कह रहे थे जब आज़ादी का टाइम हुआ था कि हिंदुस्तान में मुसलमान रुक तो रहे हैं, लेकिन आपको जिंदगी भर यही साबित करना रहेगा कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान। आज हमारे साथ यही हो रहा है, 50 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, विवादित जमीन उधर थी फैक्ट्री की तरफ, यहाँ पर कारखाना था, मुसलमानों को टारगेट किया है क्योंकि मेरा नाम सद्दाम है, इसलिए मुझे टारगेट। ऐसे में आप तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मैं बता सकता हूँ गोदी मीडिया इस मामले को कभी नहीं उठाएगी। दरअसल मामला क्या है कि जिस तरह से सरकार चाहती है उसी के ही पिठलग्गू बने हुए हमेशा रहते हैं। क्या है, ऊपर नेशनल मीडिया हो या स्थानीय मीडिया हो, ऐसे जो मार्मिक और दिल को दहला देने वाले दृश्य यहाँ से आपको मिलेंगे वो कभी नहीं दिखाएगी, ना ही कहीं इसी इशू को दिखाएगी। लोग बीमार पड़े हैं, लोग हॉस्पिटलों में एडमिट हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये स्कूल नहीं जा रहे सारे, कैसे जाए स्कूल, लाने की व्यवस्था नहीं, होने की व्यवस्था नहीं, छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे लेंटर बढ़वाते हैं, फिर प्लास्टर कराते हैं, लेडीज है घर के बाहर बैठी है रो रही है, ये बीमार है, ये बच्चे हैं छोटे छोटे मजदूर लोग हैं, ये एक बार में उजाड़ रहे हो, ये कौन सा तरीका है? अरे एक बार हमसे मना कर दो, अलग बसा दो हमें, अगर हमसे इतनी नफरत है, वोट कोई भी पार्टी हो कोई भी हो, वोट लेने के लिए यहाँ पर हाथ जोड़ कर आते हैं और वैसे कोई नहीं आएगा। अब यहाँ पर कौन देख रहा है, ये मोहल्ले के लोग दे रहे हैं, किसी से कोई मतलब उम्मीद हमें मतलब है भी नहीं। अब यार बस सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है, कोई नेता इसमें कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि अगर नेता इसमें करता तो हमें पहले करता, हमने सबके दरवाजे खटखटाए। देखिए कुछ नेताओं ने ये भी कहा कि मतलब ये कि ये जो है हाई कोर्ट का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अरे कम से कम पब्लिक के बीच में आकर कम से कम अपनी हमदर्दी तो दिखाओ, शादी ब्याह में तो आते हो आप यहाँ पर, जब लोग यहाँ के नेता लोग देकर जाते हैं दावत तो तुम सब लोग आते हो यहाँ पर शादियों में, तो क्या बात तुम खुशी खुशी के साथ हो? हमारे हमदर्द दुख के हमदर्द तो कोई नहीं हो, दुख का हमदर्द सिर्फ हमारा ये कुरेशियान मोहल्ला है जो हम लोगों को इन्हें देख रहा है और कोई भी नहीं है यहाँ पर। ऐसे में आप देख सकते हैं क्या हालात यहाँ पर गुजर रहे हैं। ये बहजोई का बाग मोहल्ला कहलाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं इन महिलाओं को, वृद्ध महिलाओं को जो पूरी तरीके से घर से उनको बेघर कर दिया गया। ऐसे 80 घर हैं और कमरे सवा सौ, करीब 1250 परिवारों के ये लोग यहाँ पर हैं जो बच्चों और बूढ़ों के साथ में यहाँ पर मौजूद हैं और सबकी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू है, दम आंखों से ये लोग अपने यहाँ पर जमान है।